हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल सी एक्सक्लूसिव के अंदर। आपको पता होगा गाइस, मेरे दो चैनल हैं, एक सी एक्सक्लूसिव, एक AFLM। सी एक्सक्लूसिव खाली CA वाले बच्चों के लिए एंड AFLM CA CS CM तीनों के लिए कॉमन है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सी एक्सक्लूसिव वाले चैनल पर बना रहा हूँ। आप लोगों को पता, CA फाउंडेशन का आज अकाउंट्स का पेपर था बेटा। जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको यहीं मिट्टी डाल दो। अगर अच्छा हुआ तो उसको सक्सेस को चढ़ने मत दो दिमाग पे, ओ हो बहुत बढ़िया हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। बुरा हुआ तो भी कोई बात नहीं, अभी तैयारी करते रहो, आगे के पेपर के लिए अच्छे से मेहनत करो। पेपर सारे दे के आने हैं, अच्छा जाए बुरा जाए, बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में है। तो अब बेटा आपके पास 1.5 दिन है, एक आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन पूरा, उसके बाद परसों भी आपका दोपहर को पेपर होगा। तो आपके पास मोटा मोटा 2 ही दिन मान लो है। आपको करना क्या है, टारगेट क्या होना चाहिए बेटा, आज आपको पूरा दिन इंग्लिश निपटानी है। आज आपका जो बचा कुचा टाइम है इसमें फुल डे आपको इंग्लिश निपटानी है, लॉ नहीं करना। 7 बज रहे हैं, 2-3 घंटे के अंदर, 3-4 घंटे में इंग्लिश निपट जाएगी, 4-5 घंटे में। अगर उसके बाद कुछ टाइम बच जाए तो लॉ का कोई एक चैप्टर उठा लेना, अदरवाइज आज आपको फुल डे क्या उठानी है, इंग्लिश उठानी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज इंग्लिश निपटा दो पूरी, खत्म करके सोना, उससे पहले सोना मत। कल सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे वेकअप कर लेना, 8 बजे उठने के बाद रेडी वेडी होकर 8:30-9 तक तैयार होकर, जो भी आपको बैठना है, तैयार तो खैर क्या ही हो गया, अब आप लोग घर में कौन बैठ के तैयार होता है, 8:30 बजे तक पढ़ाई वढ़ाई करने बैठ जाना। सुबह 8:30 बजे उल्टा चलना है, सबसे पहले कंपनी एक्ट करना है, सुन लो ध्यान से, कंपनी एक्ट जल्दी नहीं पड़ता, कहने को पड़ा लेकिन जल्दी नहीं पड़ता है। फिर पार्टनरशिप करना है, फिर LLP करना है, ये 3 जल्दी नहीं पड़ जाएंगे, ये दोपहर तक ही नहीं पड़ जाएंगे। ये निपटाने के बाद फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट करना और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले उठा लिया तो उसमें हर लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और हर वर्ड को पढ़ना पड़ता है, फिर वो सारा दिन वही खा जाएगा। तो इसलिए उल्टा चलो, पहले कंपनी, क्या बोला मैंने, पहले कंपनी एक्ट, फिर पार्टनरशिप एक्ट, फिर LLP एक्ट, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस तरीके से कल फुल डे लॉ निपटाओ, कल पूरा दिन लगाकर पूरा दिन फुल डे लॉ निपटाओ, आराम से करो। और हर जब जब चैप्टर करते जाओ तो साथ साथ पीछे के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करते जाना। और कल ही के दिन में टारगेट ये रखना है कि कल ही के दिन में इस अटेम्प्ट का RTP MTP और पिछले अटेम्प्ट का RTP MTP भी सॉल्व करने हैं, देखने हैं। बट देखोगे तो समझ आ जाएंगे, सिर्फ 2 अटेम्प्ट के RTP MTP, इस अटेम्प्ट का और पिछले अटेम्प्ट का, उससे पहले वाले तो हमारी बुक में ही सब कवर है RTP MTP के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट एक चीज, परसों वाले दिन सुबह सुबह, क्योंकि पेपर दोपहर में होगा, तो परसों वाले दिन सुबह सुबह फास्ट ट्रैक के अंदर फुल लॉ और फुल इंग्लिश को फास्ट ट्रैक में देखना है। तो आज का दिन खाली इंग्लिश, कल का दिन फुल डे लॉ और परसों फास्ट ट्रैक में पूरा कोर्स रिवाइज करके पेपर देने चले जाना। नेक्स्ट एक चीज ध्यान क्या रखनी है कि बेटा पेपर बहुत लेंदी होता है, पेपर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो पेपर को मैं पहले बता रहा हूँ, अपना हाथ पहले से तेज रख के चलना। हर बार मैं बच्चों के मुंह से 1 अटेम्प्ट नहीं 2 अटेम्प्ट नहीं कई अटेम्प्ट से सुनता आ रहा हूँ कि सर पेपर छूट गया, पेपर छूट जाता है। तो आपको नहीं छुड़वाना है, आप स्टार्टिंग से अपना हाथ तेज चलाकर चलना, पेपर इंग्लिश और लॉ का लेंदी आता ही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है बच्चे का कि सर पहले लॉ करना है या पहले इंग्लिश करनी है। तो बेटा मेरे तो वैसे पहला सजेशन ये होता है कि पहले इंग्लिश कर लो, पहले 1 घंटे में इंग्लिश निपटा लो, क्योंकि अगर आपने पहले लॉ उठा लिया तो उसमें दिक्कत ये कि लॉ में सोचना पड़ता है, और सोचते सोचते बंदा आंसर सोचने में टाइम लगाता है, कई बार क्या होता है फील में वो लॉ ही करता रह जाता है, इंग्लिश छूट ही आती है पूरी। तो पहले 1 घंटे में इंग्लिश निपटा दो, क्योंकि इसमें सोचने वाला काम नहीं होता, देख के लिखने वाला काम होता है। तो पहले 1 घंटे में इंग्लिश निपटा के सिर्फ अगले 2 घंटे में सिर्फ लॉ पे फोकस करना, अगले 2 घंटे में सिर्फ लॉ पे फोकस करना, इस तरीके से इंग्लिश को 1 घंटे से ऊपर नहीं देना और पूरे 1 घंटे में उड़ा देनी है, और अगले 2 घंटे सिर्फ किस पे फोकस करना है, लॉ पे, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज समझने वाली क्या है बेटा, कि क्या होता है कि कई बार ऐसा बच्चा मेरे को बोलता है कि सर हमें तो दोनों ही अच्छे से आते हैं और दोनों इतने सोचने का टाइम नहीं लग रहा। तो फिर तुम्हारी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी पहले कर लो। अगर तुम्हें दोनों अच्छे से आते हैं, दोनों में सोचने में टाइम नहीं लगता, तो फिर दोनों में से कुछ भी कर लो। लेकिन मेरा सजेशन ये होता है पहले 1 घंटे में इंग्लिश करो, बाद के 2 घंटे में लॉ, क्योंकि अगर पहले 2 घंटे में लॉ उठा ले तो लॉ ज्यादा टाइम भी खींच जाता है, कई बार फिर इंग्लिश के लिए टाइम कम हो जाएगा और वो छूट जाएगा। और अल्टीमेटली हमें तो करना पूरा ही है, हमें तो नंबर से भी मतलब है, 100 नंबर का पेपर है, इंग्लिश 40 नंबर की वेटेज रखती है, कोई कम वेटेज तो है नहीं। तो ये ध्यान रखनी। नेक्स्ट 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है, पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आता हो या ना आता हो, पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना है, पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना है, आता हो या ना आता हो, ठीक है। नेक्स्ट एक बात जो समझने वाली है कि अच्छा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ 100% अटेम्प्ट करना है, मान लो तुम्हारा लास्ट का आधा घंटा बचा है और तुम्हारे 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन बचे हैं, मान लो तुम्हारे को एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बच्चा पता क्या लगेगा उसको, लग रहा है आधा घंटा 3 क्वेश्चन तो आता नहीं है, उस 5 नंबर के क्वेश्चन को सजाने बैठ जाएगा, बढ़िया बढ़िया करेगा ताकि उसको 5 में से 5 मिल जाए। और बहुत रेयर केस होता है 5 में से 5 मिले, ज़्यादातर 5 में 4 ही मिलते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा करोगे तो आपको 5 में 4 मिल जाएंगे, और अगर आप वो 3 छोड़ जाओगे तो 0। लेकिन अगर ये देखो कि अगर आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा, कि अगर मान लो अगर आपने ऐसा कर दिया कि जो अच्छे से आता है उसको थोड़ा कम अटेम्प्ट करा, मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रेजेंट नहीं करा, जल्दी जल्दी हाथ चलाया और थोड़ा टाइम बचा लिया और उसमें बाकी 3 क्वेश्चन भी कर लिए, उनके बारे में थोड़ा 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 भी लिख दिया,
और मान लो उसने एग्जामिनर ने आपको एक 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 नंबर भी दे दिया, तीनों में एक एक नंबर भी दे दिया, और इसमें पांच की जगह चार जो देने थे हो सकता है उसमें पांच की जगह तीन दे दिए, तो तीन यहाँ हो गए, तीन वहां हो गए, छह हो गए, और यही अगर आप वो तीन अटेम्प्ट नहीं करोगे खाली इसी पे फोकस करोगे तो मैक्सिमम पांच में चार मिलेंगे, तो दो नंबर के शॉर्ट हो गए। तो ले देखे तुमने, और ये एक एक नंबर की कदर उससे पूछो जो पेपर में 39 पे फेल होता है, तो एक एक नंबर मैटर करता है। तो बेटा ऐसी हरकत मत करना, सारा अच्छे से अटेम्प्ट करके आना और कोशिश करना पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके, छोड़ के कुछ मत आओ भले आता हो या ना आता हो। नेक्स्ट, पेपर के अंदर बेटा एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि कम से कम आंसर जो है उसकी जो आपको लेंथ है वो लेंथ का भी ध्यान देना है, कि अगर वैसे बहुत सारे टीचर ये सिखाते हैं ना कि अगर बहुत सारे टीचर ये सिखाते हैं कि लॉ में लेंथ मैटर नहीं करती, लॉ में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेटा करती है ना, करती है। मैंने आंसर शीट चेक होती हुई देखी है, नंबर मैटर करते हैं। देखो एक तो क्या होगा, देखो अगर तुम्हें कंटेंट कम आता है और तुम्हें लेंथ बढ़ानी है तो एक तो क्या करना, शीट के साइड पर मार्जिन खींच देना ताकि शीट थोड़ी छोटी हो जाए। अब ये नहीं कि साइड में खींचना, थोड़ा छोटा सा मार्जिन, ऐसा नहीं कि बीच में खींच दिया शीट ही आधी कर दी, ऐसी हरकत मत करना। तो एक तो शीट में मार्जिन खींच देना, प्लस दूसरी चीज क्या ध्यान रखें कि पांच नंबर का अगर क्वेश्चन है, पांच नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम फ्रंट पेज पूरा भरना चाहिए, चार का है तो फ्रंट पूरा भर दो या थोड़ा सा उससे पहले खत्म कर दो, और अगर छह का है या आठ का है तो फ्रंट पेज पूरा और पीछे वाला भी आधा पेज भरना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कम से कम इतनी लेंथ तो रखनी ही है हर आंसर की, और आंसर किस तरीके से लिखने हैं वो मैं उसकी राइटिंग स्किल्स की वीडियो मैंने वैसे ऑलरेडी अपने बच्चों को दे रखी है, अगर नहीं देखी तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा राइटिंग स्किल की वीडियो, वो आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, केस स्टडी वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले, वो सब मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। तो ये आंसर प्रेजेंट करने की बात हो गई। नेक्स्ट, रोल नंबर वगैरह प्रॉपर लेके जाना, एडमिट कार्ड वगैरह प्रॉपर लेके जाना, और कुछ भी भूल मत जाना, और रात को प्रॉपर स्लीप लेके जाना। क्या होता है कि कई बार बच्चा सोचता है कि छोड़ सो के क्या करना है, सीधा पेपर देके आते हैं, कम नींद ले लेते हैं। नींद लो, मैं ये नहीं कह रहा 8-10 घंटे की लो, कम से कम 5-6 घंटे की नींद तो लो, क्योंकि वरना क्या होगा पेपर में फिर अगर नींद भी पूरी नहीं होती ना तो पेपर में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन के मारे या दिमाग ना काम करने की बजाय वो दिमाग इतना अच्छा काम नहीं करता, एब्सेंस ऑफ माइंड हो जाता है, क्योंकि अगर आप ढंग से सो के नहीं आते तो फ्रेशनेस नहीं रहती है ना, ये एक चीज हो गई। और अगर और कुछ बताना है, राइटिंग स्किल्स वाली में बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, वो तुम्हारे को मैंने बोली देगी, वो देख लेना। और अगर मैं कुछ बताऊं, और कुछ रह रहा है, बस 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 बस, और कोई पॉइंट जो मेरे से मिस हो रहा हो? बस बेटा यही है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का, और कैसे आंसर लिखने हैं उनकी मैंने राइटिंग स्किल्स के अलग से वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। और हाँ, पेपर में सेक्शन नंबर जरूर लिखने हैं अगर आते हैं तो, अगर सेक्शन नंबर पूरा एग्जैक्टली याद है तो ही लिख के आना है, अगर हल्का सा भी डाउट है तो सेक्शन नंबर मत कोट करना, हल्का सा भी डाउट है तो सेक्शन नंबर मत कोट करना, मगर जीरो आएंगे। देखो अगर मान लो तुम्हें कंसेप्ट पूरा आता है लेकिन सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, तुमने गलत सेक्शन लिख दिया, भले अंदर कंटेंट ठीक हो तो तुम्हें जीरो मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा लेकिन कंटेंट ठीक है तो वो कम से कम उसको पढ़ेगा तो सही, वो पांच में से चार या तीन नंबर दे देगा अगर आपका कंसेप्ट ठीक हुआ तो। तो अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो पांच में से चार मिल जाएंगे, तीन मिल जाएंगे, है ना, सेक्शन का एक आध नंबर कट जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बाकी नंबर तो मिलेंगे। अगर सेक्शन गलत लिख दिया भले कंटेंट ठीक हो तो नंबर जीरो मिलेंगे, तो सेक्शन अगर एक्जैक्टली याद हो तो ही लिखना, वरना हल्का सा डाउट हो तो सेक्शन कोट मत करना। बस चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर लॉट, बाय बाय। एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।